सत्संगत इसमें कोई शक नहीं कि सद्गुरु ने हमें ब्रह्म ज्ञान देकर लोक पर लोक सुखी होने का वरदान भी प्रदान किया है। इसके साथ साथ हमें एक शब्द से सत्कारा भी है, वही शब्द हमारी पहचान भी बन गई है, वह शब्द है महापुरुष। जब कोई व्यक्ति हमें इस महापुरुष शब्द से पुकारता है और मिलता है, हम पूर्ण तौर पर श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होते हैं, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों या बच्चों से भी बढ़कर प्यार करते हैं और सत्कार करते हैं। ऐसे समय में हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हम उनकी भावनाओं के अनुसार, उनकी श्रद्धा के अनुकूल खारे उतरते, और जब हमें पूरे उतरते हैं तो उनके मन में अनोखी खुशी हमारे लिए वरदान बनकर आती है। परंतु जब हम उनके अनुकूल नहीं उतरते तो उनके मन पर न जाने क्या क्या गुजरती होगी। हमारा सामाजिक दृष्टिकोण इस तरह धुंधला पड़ जाता होगा, हम शंका होने लगती है कि हम महापुरुष हैं भी या नहीं। सत्संगत एक महापुरुष किसी स्थान से आकर अपनी पहचान देकर कहता है कि आप मेरी मदद करो और मुझे किराए का मकान ले दो। जिम्मेदार महापुरुष आपको गुरु का प्यार समझकर अपनी कोशिश करके इस विश्वास पर कि आप एक गुरसिख हैं, मकान ले देते हैं। आप कुछ समय तो आराम से रहते हो और फिर कुछ समय बीतने पर मकान मालिक जब आपको मकान खाली करने की बात कहता है, आप अनुबंध के अनुसार मकान खाली करते हैं, तो आप जहां अपने कर्मों से महापुरुष होने का सबूत देते हैं, वही गुरु और मिशन दोनों का सिर गर्व से ऊंचा कर देते हैं। आप शाबाशी के पात्र बनते हैं और औरों के लिए आदर्श भी। यदि आप मकान खाली करने में आनाकानी करते हैं और दो चार बार कहने पर भी खाली नहीं करते, तब मकान मालिक अन्य महापुरुषों का सहारा लेता है और उनसे भी कहलवाता है, आप तब भी आनाकानी करते हैं और बात बढ़ जाती है, झगड़े तक नौबत पहुंच जाती है, पुलिस या कोर्ट कचहरी का भी दरवाजा खटखटाने लगते हैं। तो फिर आप जरा अपने मन में सोचे कि आप क्या कर रहे हो? क्या ये गुरुमत के अनुसार है? आपके ऐसे कर्म से क्या गुरु और मिशन का सिर ऊंचा होगा? इससे बढ़कर भी जिस महापुरुष या किसी अधिकारी ने आपकी जिम्मेदारी ली है, वह क्या सोचेंगे? उनकी नींद भी हराम हो जाएगी। भविष्य में किसी की जिम्मेदारी लेने का कतराएंगे, तुमने अपना तो हानि कर ही लिया, औरों का भी कर रहे हो, सहायता के मार्ग बंद हो जाएंगे। जरा पूरी स्थिति को अपने आप में लाकर देखो कि महापुरुष शब्द से क्या अर्थ निकले। हे किसी प्रकार किसी की गरीबी को देखकर किसी जरूरतमंद लड़की की शादी की, या किसी और जरूरतमंद को देखकर किसी महात्मा ने उसकी जिम्मेदारी ले ली और वह खारा ना उतरे, किसी का धन लेकर दबा लिया हो, या किसी के घर में रहकर उसके साथ विश्वासघात किया हो, और कोई ऐसा अशोभनीय कार्य किया हो जो महापुरुषों के लिए करना उचित ना हो, तो उसके लिए ऐसे ऊंचे शब्द महापुरुष की क्या कीमत निकलेगी? हम कई बार यह अनुभव करते हैं कि हम जरा नम्रता से बोलना आ गया, महापुरुषों की भाषा बोली आ गई, कोई गीत गाना आ गया,
या थोड़ा बहुत बोलना आ गया, हम तो महापुरुष बन गए। जरा हम अपने आप को टटोलें और देखें, यह एक महापुरुष का बाहरी रूप तो हो सकता है, जब तक हमारा अंदर शुद्ध ना हुआ, हमारे कर्म अच्छे ना हुए, हम महापुरुष कहलाने के हकदार कदापि नहीं हो सकते। इसीलिए यह अति आवश्यक है कि हम सद्गुरु के आशीर्वाद मांगे कि हे दातार प्रभु, हमें जिस महान शब्द महापुरुष के नाम से सम्मानित किया है, आप हम पर कृपा करें कि हम कर्म करके महापुरुष बन सकें, जिससे आपका और मिशन का नाम रोशन हो। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।